नमस्कार, मैं हूँ सरोज राजपूत और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। खाचरोद के ग्राम नावाखेड़ी में 28-29 अगस्त 2020 को युवक ने ग्रामीणों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले नावाखेड़ी निवासी मृतक राजेश पाटीदार ने वीडियो बनाकर दोस्तों में शेयर कर दिया था। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले अपराधियों के नाम सामने आने के बाद भी खाचरोद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब मामले की खबर पत्रकारों को लगी तो मृतक राजेश पाटीदार को न्याय दिलाने के लिए पत्रकारों ने लगातार समाचारों का प्रकाशन किया। जब जाकर 7 माह बाद खाचरोद पुलिस ने 5 नाम जद आरोपी बनाए, जिन पर धारा 306 का प्रकरण तो दर्ज कर लिया, गिरफ्तारी में भी 1 माह की देरी कर डाली। लगातार प्रकाशित खबरों के बाद मामला SDOP से लेकर SP तक पहुंचा, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद आखिरकार खाचरोद पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा। सब कुछ सामने होने के बाद भी FIR और गिरफ्तारी में देरी क्यों करी? और मीडिया में आरोपियों के गलत बयान से जांच अधिकारी ने घरेलू विवाद क्यों बताया, जबकि राजेश की मौत में कुछ और ही कारण है? एक और कौन महिला और पुरुष है जिसके कारण अपराधियों ने मृतक राजेश के साथ बुरी तरह मारपीट करी? राजेश के डायल शो को बुलाने पर घर तक क्यों नहीं पहुंची? ये सवाल जानना अभी बाकी थे और पुलिस ने कोर्ट में भी बिना रिमांड मांगे ही जेल भेज दिया। मृतक राजेश के माता पिता और भाई को भी धनबल और राजनीति हथकंडे से डरा धमका कर पुलिस तक उसकी सही बात को नहीं पहुंचने दिया। खैर, मामला जो भी है, हाल फिलहाल 5 आरोपियों को जेल की सलाखों में जेल की चक्की पीसने के लिए धकेल दिया है। आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।